बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है वो हम देखें। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है, उसका जो फर्दर अपग्रेडेशन है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो वी हैव यूज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंडिकेट देयर स्ट्रेंथ। सो होता ये है कि वी आर नाउ गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू ए सर्विस एंड यूज दिस काउंट टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो आपके पास एक शीट है या एक सरफेस है, उसमें से जितनी लाइन्स पास होंगी वो आपको विजुलाइजेशन देगा कि उसका इलेक्ट्रिक से क्या है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सर्फेस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दैट पास थ्रू इट। फील्ड में से जितनी लाइंस उसमें से पास होंगी सरफेस के अंदर से, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन आर्बिट्रेरली, वी क्वांटिफाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइक दिस। सो फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो फाई ई से हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, वेर ई आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ए आपके पास एरिया आ जाता है उस सरफेस का। ठीक है। सो अगर आप इस सरफेस को टिल्ट करते हैं तो फ्यूर लाइंस जो हैं वो सरफेस को कट करेंगी। सो इसका फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज। सो अब इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? सो वी डिफाइन ए वेक्टर टू बी ए वेक्टर हैविंग ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये जो आपका एरिया वाला जो वेक्टर है, बेसिकली एरिया इज ए वेक्टर। सो एरिया जो वेक्टर है उसकी वो जो है वो आपकी सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी। हमेशा हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा और वो एक थीटा एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उसमें से पास हो रही होंगी उसके साथ। सो दूसरा, द अमाउंट ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कॉस थीटा। सो देयर फॉर द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया इफेक्टिवली कट थ्रू बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कॉस थीटा। ठीक है। जो इफेक्टिवली जो जहाँ से वो कट कर रही हैं लाइंस, वो जो आपके पास है वो आ जाएगा ए कॉस थीटा। सो ए इफेक्टिव इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सो फाई इज इक्वल टू ई ए इफेक्टिव विच इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सो हम इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, फाई के इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म और द सरफेस इज नॉट फ्लैट। अब इस तरह का केस भी आ सकता है कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक कोई जो शेप है सरफेस की वो डिफरेंट है उसमें से, मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो यूनिफॉर्म नहीं है मतलब। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें हम क्या करेंगे कि एक पोर्शन उठाएंगे, डिवाइड द सरफेस इनटू इनफिनिटेसिमल सरफेस एलिमेंट्स एंड ऐड द फ्लक्स थ्रू ईच। वही काम जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता था पहले, तो हम एक पोर्शन उठाते थे वहाँ पे और उसको फाइंड आउट करके फिर हम ऐड अप कर देते, या दूसरे सेंस में हम इंटीग्रेट कर देते थे पूरी सरफेस पे। तो इसमें हमने क्या करना है कि उस डिफरेंट लाइंस जितनी भी हैं उस पे हमने उनको समिशन कर देनी है। ठीक है। और एरिया टेंड्स टू ज़ीरो। सो जेनेरिक बात वही है कि हमने उसको जो मैंने आपको बताया कि उसको हमने ई डॉट डी ए फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर पोर्शन का और फिर इंटीग्रेट कर देना है पूरी सरफेस की। ए सरफेस इंटीग्रल देयर फॉर ए डबल सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल बेसिकली सरफेस इंटीग्रल को हम डबल इंटीग्रल से यूज शो करते हैं। सो अब ये भी एक सरफेस इज क्लोज्ड कंप्लीट इनक्लोजे वॉल्यूम। इस तरह का केस आ जाए तो तब भी हमने एक पोर्शन लिया छोटा सा, उस पर हमने फाइंड आउट किया और फिर हमने उसको इंटीग्रल ले लिया। अब इस केस में हमारे पास जो है सरफेस इंटीग्रल है, तो हम इसको इस तरह से सर्कल आ गया हमारे पास। सो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, चीज़ वही है।
ये चीज आपने देख लेनी है कि रेक्टेंगुलर जस्ट रिमाइंड यू टू इंटीग्रेट ओवर ए क्लोज सर्कल, ठीक है। अच्छा ये जो है समरी है, लेट्स से यू गेम। अब आप कौन कौन सी कंडीशंस में कौन कौन सी इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। लेट्स से फर्स्ट वाली है फाई इज इक्वल टू ई ए फ्लैट सरफेस के लिए, ठीक है। ई ए और ए आपस में क्या है, पैरेलल है, कॉन्स्टेंट ओवर सरफेस इजी। अब दूसरे केस हमारे पास आ गया ई ए कॉस थीटा फ्लैट सरफेस, जहाँ पे ई और ए आपस में पैरेलल नहीं है, ई कॉन्स्टेंट है ओवर सरफेस। अच्छा ई डॉट ए से फ्लैट सरफेस इज नॉट पैरेलल टू ए, ई कॉन्स्टेंट ओवर सरफेस, सेम ही है, ये दोनों केस सेम ही है। अब हमारे पास आ गया कि सरफेस अगर फ्लैट नहीं है तो ई अगर नॉन यूनिफॉर्म है, सो हम ये वाला केस यूज कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड इफ पॉसिबल। सो क्लोज सरफेस के लिए हम यूज कर सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। सो इफ द सरफेस इज क्लोज यू मे बी एबल टू ब्रेक इट अप, वही बात कि उसको तोड़ना है पीसीज में इनटू सिंपल सेगमेंट एंड स्टिल यूज ई डॉट ए डॉट ई डॉट ए, ये वाली इक्वेशन हमने यूज करनी है उसके लिए, और देन कर देना, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप खुद जहन नशीन कर लीजिए। आते हैं एग्जांपल की तरफ। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सिलेंडर विद इट्स एक्सेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये फाइंड आउट करना है कि इस सिलेंडर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। फर्स्ट चीज क्या, आई सी थ्री पार्ट्स, मैं यहाँ से इसके तीन पार्ट्स देख सकता हूँ। एक तो हमारे पास लेफ्ट कैप है एंड कैप, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर हो रही हैं, और जो एरिया है वो पॉइंटिंग आउटवर्ड होगा। मैंने आपको पहले बताया कि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा हमेशा। दूसरा केस हमारे पास ट्यूब आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, थर्ड हमारे पास ये होगा और उसमें एरिया की राइट एंड कैप, राइट एंड कैप जो है इसकी, ये तीन चीजें मैं देख सकता हूँ, इसके तीन पार्ट्स हैं सिलेंडर। लेट्स सेपरेटली कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्ट टू द फ्लक्स, देन ऐड टू द टोटल फ्लक्स। अब किस तरह से करेंगे, पहले हमने लेफ्ट का फाइंड आउट करना है, फिर ट्यूब का और फिर राइट का। अब तीनों को फाइंड आउट करके हमने ऐड अप कर देना है, हमारे पास लेफ्ट एंड कैप का आ जाएगा। इसमें देखें ई डॉट डी ए हमने यूज किया, इंटीग्रल किया उसको सारे को, सो ई डी ए कॉस एंगल क्या बन जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अगर आप इसका एंगल देखें लाइंस के साथ तो 180 डिग्री बनेगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई डी ए, सो ई इज नॉट यूनिफॉर्म, सो माइनस ई बाहर आ गया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस ई ए लेफ्ट के लिए। अब आते हैं ट्यूब में, ट्यूब लेट्स लुक डाउन द एक्सेस ऑफ द ट्यूब। अब यहाँ से ई ये पॉइंटिंग आउट हुआ, अब इसको हम कहते हैं ई इज पॉइंटिंग एट यू। अगर ये डॉट आए इस तरह और सर्कुलर अराउंड हो तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है, पॉइंटिंग एट यू। सो एंगल जो बनेगा एरिया का वो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस बनेगा, सो ए इज रेडियल। सो हम ये चीज़ हमारे, हमें इसको अगर साइड से देखें तो ये हो चीज नजर आएगी। सो एंगल ई और डी ए का आपस में क्या, 90, तो ई कॉस थीटा 0 होगा, कॉस 90 0 होता है तो पूरा कंट्रीब्यूशन ट्यूब का जो है वो 0 हो जाएगा फ्लक्स। अब आता है राइट हैंड साइड, अब इसमें एंगल हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल वो आ जाएगा ई। तो अब जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे माइनस ई ए प्लस 0, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। सो द फ्लक्स इज जीरो, एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दैट गोज इन ऑल्सो गोज आउट, सो द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सिलेंडर सरफेस इज जीरो। इफ देर वर ए पॉजिटिव चार्ज इन साइड द सिलेंडर देर वुड बी मोर लाइन्स गोइंग आउट देन इन, ठीक है, समझ आ गई कि अगर इस पे ये कोई चार्ज होता है सिलेंडर के ऊपर तो मोर लाइन्स इसके अंदर जाती देन गोइंग इन, बाहर आती देन कोई। सो ये चीज बन जाएगी कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये अब लाइंस की डायरेक्शन आ गई, सो नेगेटिवली चार्ज होगा तो
तो इनवर्ड्स आएंगी लाइंस।